नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। अगर आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलते होंगे जिस क्वेश्चनों के बारे में आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं आज जिसकी बात करने वाला हूं वो है खेलों से संबंधित एक बहुत ही उत्कृष्ट टूर्नामेंट, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसके बारे में नहीं सुने होंगे। आज हम टेनिस के खेल में सबसे बड़े टूर्नामेंट की चर्चा करेंगे जिसका नाम है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ग्रैंड स्लैम। अब ये ग्रैंड स्लैम है क्या? तो आप एक खेल का नाम सुने होंगे, टेनिस। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि बहुत कुछ आपको आज क्लियर होने वाला है और आज की वीडियो से आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ आपको डाटा को प्रत्येक साल अपडेट करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजों को मैं अच्छे ढंग से आपको समझा रहा हूं, लेकिन जरूरत है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे। टेनिस खेल के बारे में आप सुने होंगे, टेनिस एक बहुत ही प्यारा खेल है। ग्रैंड स्लैम क्या है? तो लॉन टेनिस खेल का सबसे बड़ा प्रतियोगिता देखिए भाई जी, ये गेम बहुत ही उत्कृष्ट है। टेनिस टूर्नामेंट, आप टेनिस के बारे में निश्चित रूप से सुने होंगे। विश्व के बहुत सारे देश टेनिस को खेलते हैं और इस समय के डेट की अगर हम बात करें तो आज के डेट में टेनिस वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय खेल है। और मैं इसकी लोकप्रियता को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह दुनिया में खेले जाने वाले जितने भी खेल हैं उसमें सबसे ज्यादा इसी को खेलने वाले देश हैं। यह अलग बात है कि इंडिया में क्रिकेट का क्रेज है, किसी देश में फुटबॉल का क्रेज है, किसी देश में हॉकी का क्रेज है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के देशों को अगर लेकर चलिए तो आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई खेल होता है तो वह टेनिस है। हर देश का अपना प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है। भारत भी टेनिस को लेकर प्रतियोगिताओं को कराता है, अमेरिका में भी होता है, जापान में भी होता है, हांगकांग में भी होता है, हर देश में टेनिस के लगभग टूर्नामेंट अच्छे अच्छे होते हैं। लेकिन मैं जिस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिकेट खिलाड़ी के लिए बहुत सारा क्रिकेट का मैच होता होगा और वो हर मैच उसके इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर वो मैच वर्ल्ड कप का हो तो उसमें वो जी जान लगा देता है। यानी वर्ल्ड कप को जीतने का उसको जितना खुशी होता है उतना खुशी अन्य मैचों को जीतने पर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम बिल्कुल कह सकते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को, जो कि टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। अब इतना बड़ा प्रतियोगिता है तो इस प्रतियोगिता के बारे में बहुत सारा प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बनता है, आज हम सब पर डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा सवाल उठता है, कुछ बच्चे ये भी समझते होंगे भाई टेनिस से होता कैसे है। तो टेनिस में देखिएगा, आप देखे होंगे कुछ इस प्रकार से मैदान, इसका ऐसे फिगर में आप देखे होंगे, और बीच में होता है एक नेट, बीच में एक नेट होता है और इस नेट के एक तरफ एक खिलाड़ी होता है और दूसरे तरफ भी एक खिलाड़ी होता है। या तो ये एक सिंगल सिंगल खिलाड़ी दोनों साइड में होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेट के एक तरफ दो खिलाड़ी हो और नेट के उस तरफ भी दो खिलाड़ी हो। यानी कुल मिलाकर अब हम ये कहेंगे कि टेनिस के खेल में जो प्लेयर होते हैं उनकी संख्या एक या दो होती है, यानी एक या दो खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? टेनिस। अब जिससे हम उस टेनिस के बॉल को सर्विस करते हैं यानी दूसरे साइड में, उसको हम कहते हैं रैकेट, उसको रैकेट कहते हैं। और टेनिस एक बॉल होता है, उसी बॉल को नेट के इस पार से उस पार भेजना पड़ता है, फिर वो खिलाड़ी जमीन पर गिरने से पहले उस गेंद को वापस जो है इनके साइड में भेजता है, और जो भी खिलाड़ी गेंद को ज़्यादा जमीन से टच करवा दे उसी की जीत होती है। तो बहुत उत्कृष्ट खेल है।
अब देखिए खिलाड़ियों की संख्या के बारे में हम जाने, खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछें कि टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे? खिलाड़ियों की संख्या होती है एक या दो, एक या दो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये तो आप समझ गए, अगर आपसे ये पूछे कि टेनिस के खेल के मैदान को हम क्या कहते हैं, लोकप्रिय खेल क्रिकेट के बारे में सुने होंगे, क्रिकेट का जो खेल का मैदान होता है उसको हम पिच कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुक्केबाजी का जो मैदान होता है उसको हम रिंग कहते हैं। आप देखे होंगे एक रस्सी बना होता है बिल्कुल गोलाकार और उस रस्सी के अंदर खिलाड़ी उतरते हैं और उसमें बॉक्सिंग करते हैं, तो उसका जो खेल का मैदान होता है उसको हम कहते हैं रिंग। ठीक उसी प्रकार से जो टेनिस का मैदान होता है उस टेनिस के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्ट। टेनिस के मैदान को किस नाम से जानते हैं? कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है कि टेनिस का खेल मैदान क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। अब देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे एक सामान्य हम क्रिकेट को ले लें तो क्रिकेट वर्ल्ड में जो भी देश खेलते हैं उन सभी देशों में क्रिकेट का आयोजन कराने वाली कोई संस्था होगी, और आपको पता भी है कि क्रिकेट की आयोजन कराने वाली संस्था को हम ICC कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ओलंपिक जैसा टूर्नामेंट जिसको हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा खेलों का टूर्नामेंट कहते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने वाली जो संस्था है उसको हम लोग कहते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसी प्रकार से टेनिस जैसे टूर्नामेंट को कराने के लिए भी वर्ल्ड स्तर पर एक संस्था है जिस संस्था को हम कहते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो देखिए संस्था कौन सी है, टेनिस का खेल कराने वाली संस्था क्या कहलाती है? ITF, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब इस संस्था का अगर कोई पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है, यानी कि ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहाँ पर है? लंदन में है, जिसकी जिम्मेवारी है कि वो हर देश में टेनिस के टूर्नामेंट को कराएं। अगर किसी देश में टूर्नामेंट हो रहा है टेनिस का तो उसमें कोई दूसरा देश जाकर खेलता होगा उस देश में, तो वहाँ पर टेनिस के टूर्नामेंट को कराना। उसी प्रकार से टेनिस को लेकर कोई बहुत बड़ा आयोजन होता हो जैसे कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता वगैरह होता हो तो उसको भी करवाने का काम करता है कौन? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो इस संस्था को हम क्या कहते हैं? ITF। और इसका गठन अगर कोई पूछे तो इसका गठन किया गया था 1913 में, तो बहुत ही पुरानी संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब आइए हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बारे में कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेनिस के खेल का जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है वह साल में 4 ये होता है। आप सुनते होंगे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है वो 4 साल पर एक बार होता है, 4 साल पर एक बार होता है। ठीक उसी प्रकार से ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट अगर देखिएगा तो भी 4 साल पर एक बार होता है। उसी प्रकार से फीफा का नाम सुने होंगे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, उसका काम है फुटबॉल का आयोजन कराना। तो टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है ये वाला, ये होता है एक साल में 4 बार, एक साल में ये 4 टूर्नामेंट होता है, यानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं एक साल में कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए 4 होता कौन कौन है, 4 जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है एक साल के अंदर उसमें कई तरह से क्वेश्चनों को पूछा जाता है, जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सा है। तो आइए हम सबके बारे में देखते हैं कि कौन सा है वो। साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल का जो दूसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसको हम कहते हैं फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। साल का जो तीसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसको हम कहते हैं विंबलडन। और साल का जो चौथा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसको हम नाम देते हैं US ओपन, यानी अमेरिकी ओपन का खिताब।
तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन में क्या डिफरेंस है और ये कब कब खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन साल का पहला टूर्नामेंट है जो खेला जाता है जनवरी के महीने में, ये जनवरी में होता है और ये होता है कहाँ पर, तो मेलबोर्न, मेलबोर्न का मैदान, मेलबोर्न यानी जो मेलबोर्न शहर है उसके यहाँ, उस मैदान में यहाँ पर होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। फ्रेंच ओपन ये होता है आपको मई जून में, ये मई जून के समय होता है और ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपको पेरिस का मैदान, पेरिस, पेरिस का मैदान, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है यहाँ पर ये होता है। विम्बलडन ये आपको कब होता है, तो ये होता है जून, जून जुलाई, जून जुलाई, और ये टूर्नामेंट कहाँ होता है, तो ये टूर्नामेंट होता है लंदन का मैदान, लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। और यूएस ओपन ये होता है अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, और ये होता है न्यूयॉर्क, जिसको हम गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं, न्यूयॉर्क का मैदान इस जगह पर होता है ये यूएस ओपन। जनवरी साल का पहला महीना हो गया, तो साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, साल का ये पहला टूर्नामेंट हो गया। फ्रेंच ओपन ये दूसरा जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। विम्बलडन साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जो कि जून जुलाई में होता है, और यूएस ओपन साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जो कि अगस्त और सितंबर में होता है। मैच कहां कहां पर होता है, मेलबोर्न, पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क। लेकिन हमें क्या रखना है कि इसमें ऑस्ट्रेलियाई जो ओपन है जो जनवरी में होता है, यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है और साल का अंतिम कौन है, यूएस ओपन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि साल के पहले ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। अब एक और बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो टूर्नामेंट होता है वह टूर्नामेंट जो है किस प्रकार के कोर्ट पर होता है, किस प्रकार के ये कोर्ट पर होता है, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट। अब आपके मन में जाएगा कि ये क्या है, तो टेनिस का खेल तो कोर्ट में ही होता है, चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि टेनिस के खेल मैदान को हम कोर्ट कहते हैं, लेकिन अगर ये मैच होगा तो जमीन पर ही ना होता है, जमीन पर ही होकर खिलाड़ी ये मैच खेलते हैं, उस मैदान को भले हम कोर्ट कहते हैं लेकिन जमीन पर खड़ा होकर ये खेल खेला जाता है। लेकिन जो मिट्टी है, जो जमीन का सतह है मिट्टी, उस मिट्टी को अगर पूरी तरह से दबा दिया गया, काफी तेजी में दबाया गया और उसको दबा करके रोलर वगैरह से बिल्कुल हार्ड बना लिया गया, तो उस हार्ड मैदान को अब हम क्या नाम देंगे, हार्ड कोर्ट। यानी कि इसमें जो मिट्टी होती है जिस पर ये ग्राउंड पर जो खेला जाता है मैच ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सॉफ्ट मिट्टी पर नहीं होता है, सॉफ्ट सॉइल पर नहीं होता है, ये बिल्कुल हार्ड सॉइल पर होता है, काफी सख्त होता है ये और इतना ज्यादा मजबूत होता है कि खिलाड़ी अगर इस पर गिरते हैं तो चोट लगने की पूरी संभावना इस पर होती है। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये होता है क्ले कोर्ट पर, क्ले कोर्ट का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल मुलायम मिट्टी, यानी इस मिट्टी को दबाया नहीं जाता है, जो सामान्य मिट्टी होती है जिस पर हम चलते वगैरह हैं वैसी मिट्टी रहेगा, उसको रोलर से दबाया नहीं जाएगा, तो ये सॉफ्ट मिट्टी पर खेला जाता है कौन, फ्रेंच ओपन। अब विम्बलडन जो है ये खेला जाता है किस पर, तो ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट, यानी कि इस मैदान पर जो भी खिलाड़ी खेलते हैं उनको घास पर खेलना पड़ता है, यानी मिट्टी पर घास उगाया जाता है और उस पर आपको मैच खेलना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, इसलिए कि अगर ओस वगैरह जो है गिरा हुआ है, पानी वगैरह कुछ गिरा हुआ है उस घास पे, और आप टेनिस का खेल खेलते हैं जिसमें आपको कोर्ट में इस पार से उस पार जंपिंग करते हुए लगातार जो है रैकेट के माध्यम से टेनिस बॉल को दूसरे साइड के नेट की तरफ भेजना है, तो उस उछल कूद में हो सकता है कि आपका पैर स्लिप करे तो गिरने का एक चांस बनेगा वहां पर, तो ये भी समस्या होता है क्योंकि सारे लोग इस पर ढंग से खेल नहीं पाते हैं। और साल का अंतिम जो यूएस ओपन होता है ये भी होता है हार्ड कोर्ट पर, यानी साल का पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता तीन प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और
ग्रास कोर्ट। दुनिया में जितने भी खिलाड़ी हैं टेनिस खेलने वाले, उसमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होंगे, बातों को ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जिनको हार्ड कोर्ट अच्छा लगता होगा खेलने में, यानी वो सख्त मिट्टी पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते होंगे। उनको लगता होगा कि अगर हम हार्ड कोर्ट पर खेलें तो शायद हम प्रतिद्वंदी के मुकाबले 100 गुना बेहतर दे सकते हैं। उनके अंदर की मतलब ये क्वालिटी बताती है कि शायद हम इस कोर्ट पर खेलने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इस कोर्ट पर मुझे हरा पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो किसी किसी को जो मैदान पसंद पड़ जाए, कोई हार्ड कोर्ट पर बढ़िया खेलता होगा, कोई ऐसा भी खिलाड़ी होगा जो हार्ड कोर्ट पर उतना बढ़िया नहीं खेलता होगा, लेकिन अगर उसको सॉफ्ट मिट्टी मिले तो उस पर वो बहुत शानदार खेल सकता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं दुनिया के टेनिस के जो ग्रास कोर्ट पर, घास के मैदान पर बहुत शानदार जो है खेल खेलते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको हार्ड कोर्ट बहुत पसंद है, बहुत अच्छा खेलता है, इन दोनों पर उतना बेहतरीन नहीं खेलता है, तो क्या है ना कि अगर जो है उसको इस पर खेलने का मौका मिलेगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि नहीं उतना कंफर्टेबल हम नहीं है, हो सकता है कि मैच हार भी जाए, लेकिन इस पर जब जाएगा ना तो उसका रफ्तार दुगुना हो जाएगा, उसके अंदर एक अलग जोश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं इस खेल का बादशाह हूं। तो देखिए कुछ खिलाड़ियों के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसको कि इस कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। जैसे हार्ड कोर्ट का बादशाह अगर कहा जाए कि हार्ड कोर्ट का बादशाह किसको कहते हैं, किंग ऑफ हार्ड कोर्ट, तो ये कहा जाता है नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविच का नाम सुने होंगे आप, जोकोविच बहुत ही बेहतरीन टेनिस का प्लेयर है ये, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया। इनको कहा जाता है हार्ड कोर्ट का बादशाह। उसी प्रकार से एक नाम सुने होंगे आप लोग राफेल नडाल का, बहुत ही उम्दा ये भी खिलाड़ी है राफेल नडाल। राफेल नडाल को कहा जाता है क्ले कोर्ट का बादशाह, मतलब इन पर अगर ये खेलते हैं तो फिर इनको हरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो राफेल नडाल जी हैं स्पेन के। अब आइए ग्रास कोर्ट की बात करें तो ग्रास कोर्ट का बादशाह कहा जाता है रोजर फेडरर, रोजर फेडरर को। और आपको मालूम है कि रोजर फेडरर जो हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन खिलाड़ी ये भी हैं, इनको ग्रास कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। तो ये तीन ऐसे खिलाड़ी हुए, जैसे मान लेते हमने बताया क्या कि ग्रास कोर्ट पर रोजर फेडरर बादशाह कहे जाते हैं, मतलब कि इनका परफॉर्मेंस ग्रास कोर्ट पर और बढ़िया हो जाता है। राफेल नडाल जी को अगर कहा जाए कि आप ग्रास कोर्ट पर आइए रोजर फेडरर के मुकाबले, तो उनको लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा बहुत आक्रामक हो जाता है यहाँ पर आने के बाद, तो यहाँ पे मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। लेकिन रोजर फेडरर जी अगर क्ले कोर्ट पर जाएंगे तो उसको भी पता है कि भाई राफेल नडाल जो हैं ये क्ले कोर्ट का बादशाह है, ये हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। तो अपने अपने मैदान की रुचि, ये लोग बादशाह कहे जाते हैं। अब आइए हम आगे थोड़ा सा इस पर चर्चा करें। अभी तक टेनिस के जो भी टूर्नामेंट हुए हैं, उस टेनिस टूर्नामेंटों में सबसे ज़्यादा मतलब ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अभी तक टेनिस टूर्नामेंटों में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किसके नाम हुआ है, यानी चारों टाइप की इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को मिला दें तो सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का विजेता कौन बना है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा विजेता बने हैं कौन, रोजर फेडरर, जिनके नाम से टोटल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, ये 20 खिताब जीते हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पर राफेल नडाल की अगर बात करें तो इन्होंने 19 मैच अभी तक, मतलब 19 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीता है। और तीसरे नंबर पर है नोवाक जोकोविच को, इनको टोटल 17 ग्रैंड स्लैम खिताब मिला है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा अभी तक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने का जो रिकॉर्ड है वह है ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम। और मार्गरेट कोर्ट ने टोटल अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का खिताब जीती है। मार्गरेट कोर्ट ये 24 खिताब जीती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर है सेरेना विलियम्स अमेरिका की, मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की है।
और सेरेना विलियम्स का नाम तो आप निश्चित रूप से सुने होंगे, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं, जिनकी एक बहन भी है वीनस विलियम्स, जिनको काली बहनों की जोड़ी वर्ल्ड में कहा भी जाता है, बहुत उम्दा खेल खेलती हैं। और सेरेना विलियम्स के नाम 23 खिताब हैं, यानी यह 23 जीती हैं। और उसके बाद है एक एस्टेफी ग्राफ और इनके नाम है टोटल 22 खिताब। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता पुरुषों से ज़्यादा जीतने में कामयाबी महिलाओं को मिली है। ये तो कुछ हो गया बेसिक जानकारी। अब देखिए, अगर हम टेनिस टूर्नामेंट की रैंकिंग की बात करें, यानी इस साल 2020 में टेनिस का सबसे बेहतरीन स्कोर, मतलब दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी किसे माना गया है, तो इस साल यानी 2020 में सबसे टॉप खिलाड़ी अगर पुरुषों में कोई बने हैं तो ये बने हैं कौन, नोवाक जोकोविच। 2020 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये बने हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यानी कि ये जो है सबसे बड़े खिलाड़ी का इनको तगमा दिया गया है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के माध्यम से माना गया है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नंबर वन खिलाड़ी इस समय कौन है, नोवाक जोकोविक। लेकिन यदि हम महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की हैं एस्ले बार्टी, जिनको नंबर वन खिलाड़ी माना गया है पूरे वर्ल्ड में 2020 में, नंबर वन पोजीशन पर महिलाओं में ये चल रही है। कौन, एस्ले बार्टी, जिनका संबंध कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि 2020 में जो टेनिस का ये टूर्नामेंट हुआ है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, साल की चार हैं और चारों का देखिएगा तो समय समाप्त हो गया है। लेकिन आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया में 2020 कोरोना के चलते ज़्यादा याद रखा जाएगा, और यही कारण था कि कोरोना के चलते ये टूर्नामेंट भी प्रभावित हुआ। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो गया था जनवरी में, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में भी कोरोना का असर नहीं हुआ था, लेकिन फ्रांस ओपन और विंबलडन, ये दो ऐसे टूर्नामेंट हैं जो हम कहेंगे कि सीधे कोरोना के लिस्ट में आ गए, और यही कारण रहा कि ये टूर्नामेंट दोनों इस साल का, ये 2020 का नहीं हो पाया, 20 में नहीं हो पाया। हाँ, यूएस ओपन जो है ये अगस्त सितंबर में होता है, तो इसको कराया गया, लेकिन जब ये मैच हुआ तो हम कहेंगे खाली दर्शकों के बीच ये कराया गया, यानी दर्शक नहीं थे, स्टेडियम खाली था, उसमें ये मैच कराया गया। और देखिए लास्ट में, यानी इसके बाद यूएस ओपन के बाद फ्रेंच ओपन को जाकर लास्ट में कराया गया सबसे, लेकिन विंबलडन इस साल हुआ ही नहीं, यानी कि ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। हुआ कौन, फ्रेंच ओपन हुआ, बिल्कुल लास्ट में जाकर हुआ, केवल कोरोना के चलते उसको रोका गया, तो बाद में कराया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने समय पर हो गया था, यूएस ओपन भी अपने समय पर ही बीता है। तो आइए हम जानते हैं कि अब 2020 के जो ये टेनिस के जो चार टूर्नामेंट हैं ग्रैंड स्लैम के, उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक टूर्नामेंट इस साल नहीं हो पाया था, विंबलडन, जिसको बिल्कुल कराया ही नहीं गया, और एक ऐसा टूर्नामेंट रहा फ्रेंच ओपन, जिसका जो समय था उसमें ना कराकर बाद में कराया गया। तो अब आइए जानते हैं कि किसके कौन विजेता बने हैं, और मैं जब विजेताओं की बात करूंगा तो आपको बताना चाहता हूं कि इसके विजेता कई श्रेणी के होते हैं। कई श्रेणी के कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोर्ट है, इस कोर्ट के एक तरफ मान लेते हैं एक खिलाड़ी है, इस तरफ एक खिलाड़ी है, अगर ये दोनों मेल ही हैं तो इनके लिए हम क्या कहेंगे कि मेंस सिंगल, कौन सा खिताब चल रहा है, मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता। अगर दो दो प्लेयर हैं तब क्या कहेंगे, मेंस डबल का खिताब किसने जीता। अगर ये मेंस ना होकर ये वुमेन हो तो हम क्या कहेंगे, वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता, और डबल होगा तो क्या कहेंगे, वुमेन डबल का खिताब किसने जीता। और मान लेते हैं कि एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है, तो हम कहेंगे मिक्स्ड सिंगल का खिताब किसने जीता और मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता। तो मिक्स्ड डबल का मतलब कि एक पुरुष एक महिला, फिर इधर एक महिला उधर एक पुरुष, यानी एक साइड में एक पुरुष और एक महिला, दूसरे साइड में एक पुरुष और एक महिला। तो इस टाइप से बहुत सारे प्राइज इसमें बन जाते हैं, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बहुत सारे प्राइज बनते हैं, लेकिन मोस्टली आपसे सिंगल वाला ही पूछा जाता है, इसलिए हमको याद रखना है कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये याद रखना है। उसके बाद हमको क्या याद रखना है, फ्रेंच वाला भी याद रखना है, फ्रेंच, और विंबलडन के बारे में तो हम बता ही दिए भाई जी, विंबलडन हुआ ही नहीं है, और एक हुआ है यूएस, ये हुआ है, यूएस ओपन भी हुआ है,
तो ये तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, तो इसको एकदम हटा दीजिए। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2020 के विजेता कौन बने हैं, और इसको ट्रिकी तरीके से बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए इसमें हो जाएगा कौन कौन, तो इसमें दो तरह की बातें हो जाएगी। एक हो जाएगा किस में बाबू, मेंस में यानी कि मेल में, और एक हो जाएगा किस में, फीमेल में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जब हम बात करेंगे और मेंस की बात करेंगे, तो इसमें विजेता बने हैं कौन, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविच। और मैंने आपको पहले ही बताया कि नोवाक जोकोविच को हार्ड कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए अपने इसने बादशाहत को कायम रखा है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया, ये कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया। उसके यहाँ पर देखिए आप फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल में मतलब फीमेल में इस खिताब को किसने जीता है, सोफिया केनिन, सोफिया केनिन है ना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मेन सिंगल, यहाँ फीमेल सिंगल समझ लेंगे आप, मेन सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच को, सोफिया केनिन को मिला है फीमेल सिंगल का खिताब, और ये कहाँ की रहने वाली है, अमेरिका की रहने वाली है। जब हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल और महिला में मिला है ईगा स्वियातेक पोलैंड, ये पोलैंड की है, और राफेल नडाल तो आपको पता ही है स्पेन। अब देखिए यहां भी फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और मैंने बताया कि क्ले कोर्ट का बादशाह किसको कहते हैं, राफेल नडाल। देखिए अपनी बादशाहत को इसने कायम रखा है, तो राफेल नडाल, ईगा स्वियातेक, विंबलडन हुआ ही नहीं है। अब सीधे हम आएंगे यूएस ओपन में, तो यूएस ओपन का खिताब डोमिनी थीएम और नाओमी ओसाका। डोमिनी थीएम ऑस्ट्रिया और नाओमी ओसाका, ये हो गए आपको महिला कहाँ की, जापान की। अब इसको याद कैसे करेंगे, कैसे याद करें कि हम इसको भूल नहीं पाए, तो देखिएगा सबसे पहले हम बातें हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में, यानी मेन सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच को मिला है, तो इसको कैसे हम याद करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से एक सेंस लगाइए, ऑस्ट्रेलिया अस्त्र, देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया अस्त्र, हथियार, क्या हथियार, अस्त्र में क्या होता है हथियार, क्या कोरोना के दौर में, देखिए तो यहां पर नोवाक यानी हम क्या लगा लेंगे, एक मीनिंग यहां पर नाक है ना जी, और नाक से हम तुरंत समझ लेंगे नोवाक जोकोविच। नाक को क्या करें, अस्त्र है साफ करने का, क्या करना है, साफ करना है। देखिए सोफिया साफ कीजिए, नाक को हमेशा साफ कीजिए, नाक को हमेशा साफ रखिए, कोरोना से अगर बचना है तो नाक को हमेशा साफ रखिए, यही आपका अस्त्र है, यही आपका हथियार है कि कोरोना से बचने के लिए आपको नाकों को हमेशा साफ रखना पड़ेगा, तो नाक सोफिया। फ्रेंच ओपन देखिए, फ्रेंच ये तो बड़ी आसान है, फ्रेंच यानी फ्रांस, फ्रेंच का मतलब क्या हो गया, फ्रांस, और फ्रांस से आपको पता है ना कि क्या आया है, राफेल विमान आया है, फ्रांस से क्या आया है, राफेल आया है, राफेल ईगा आया, ईगा आएगा, ईगा स्वेतेक, ये हो गया फ्रांस, विंबलडन हुआ ये है। बाकी यूएस ओपन में देखिए, यूएस ये काफ़ी एक शॉर्ट लेटर हम लिखवाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डो, यानी डो से क्या लगा लेंगे, दो मिनी लीटर से क्या बना हुआ है यूएस, और दो मिनी लीटर से जो यूएस बना है, इसमें देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ये नाओमी ओसाका, किसका नाम, दो मिनी लीटर से नाम किसका, यूएस का, एकदम शॉर्ट में लिखा गया है, दो मिनी लीटर से नाम है, दो मिनी थीएम और नाओमी, तो चूंकि ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप तुरंत पकड़ लेंगे। अब देखिए एक बार फिर से हमने क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रे अस्त्र अस्त्र
नाक 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 साफ साफ, नाक को साफ रखें, कोरोना के दौर में यही आपका अस्त्र है। फ्रांस राफेल राफेल ईगा 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 आएगा आएगा राफेल आएगा है ना, राफेल आएगा। यूएस ओपन में क्या होता है, दो मिनी छोटे छोटे जो है लेटर, मिनी माने क्या होता है छोटा, दो छोटे लेटर क्या है नाम, ये यूएस, यूएस जो है दो छोटे लेटर का नाम है और यही बात आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। तो ये रहा आपको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के बारे में कहानी। चलिए हम अगले क्लास में फिर आपसे फिर एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।